हेलो नमस्ते, मैं अनामिका हुई, आपकी ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनके कान में प्रॉब्लम है या जिनके बच्चों के कान में प्रॉब्लम है, उनको ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना है या जाने की जरूरत है या किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे 5 पॉइंट्स जो कि आपको जानने की जरूरत है अगर आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं। तो आप किसी डॉक्टर को बिना दिखाए ही ऑडियोलॉजिस्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। पहला पॉइंट है जो कि सबको बहुत बॉदर भी करता है कि हियरिंग टेस्ट करवाएंगे तो हियरिंग एड लेना पड़ेगा। हियरिंग टेस्टिंग करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको हियरिंग एड लेने की जरूरत है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो हियरिंग टेस्टिंग ही नहीं करवाना चाहते क्योंकि सोचते हैं कि उन्हें हियरिंग एड लेने की जरूरत होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, टेस्टिंग रिजल्ट के अनुसार ही हियरिंग एड दिया जाता है। अगर आपको हियरिंग एड नहीं लगेगा तो आपको हियरिंग एड नहीं दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, आपके कान में अगर पस है, आपके कान में अगर दर्द है तो आपका हियरिंग टेस्टिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि कान में दर्द के वक्त हम कान में हेडफोन नहीं पहना सकते। कान में पस जब रहता है, कान में हेडफोन नहीं पहना सकते क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ सकता है या इन्फेक्शन फैल सकता है बाहर। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि पहले ENT डॉक्टर के पास जाइए, कान का इन्फेक्शन दूर भगाइए, उसके बाद ही कान का टेस्टिंग कीजिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट के ऊपर। जितना हो सके ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट से दूर रहे। इस पे मेरा पूरा एक वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे जरूर देखिए। लेकिन अभी COVID-19 की वजह से शायद ये नीड ऑफ द आवर है, हो सकता है आपको ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट लेना पड़े। लेकिन अगर उपाय है तो डायरेक्ट क्लिनिक में जाकर ही आप हियरिंग टेस्ट का लाभ उठाएं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के हियरिंग टेस्ट के लिए। 3 साल के नीचे के बच्चों के लिए हम बेरा, ASSR जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चों को रेस्पॉन्ड बैक नहीं करना होता है, वहां पे बच्चों को अटेंशन नहीं देना होता है, या फिर जैसे डिफिकल्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन पे भी हम लोग उनको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के ऊपर ही हम लोग रिलाई करते हैं। 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए हम प्योटोन ऑडियोमेट्री करते हैं क्योंकि उसमें बच्चों का अटेंशन लगता है और हेडफोन पहनाया जाता है और उसमें से आवाजें आती है और बच्चों को रेस्पॉन्ड बैक करना होता है। अगर 3-4 साल का बच्चा या 5-6 साल का बच्चा भी, बहुत बार होता है ऐसे कि बच्चे नहीं कर पाते हैं रेस्पॉन्ड बैक, तो हम उनको फिर होम कंडीशनिंग के लिए भेजते हैं, जहां पे हम दिखा देते हैं कि किस तरह से बच्चे को पीछे से आवाज देना है और आवाज सुनते ही बच्चे को रेस्पॉन्ड बैक करना है। जैसे कि ये मेरे पास एक पेन है, सपोज एक पेन है, आप बच्चे को खिलौना दे सकते हो या कोई ब्लॉक दे सकते हो, तो इस तरह से अपने कान में रखें और आवाज करें, आवाज सुनते ही बच्चे को इस तरह से नीचे रखना है। जैसे इस तरह से आप बार बार तरह तरह के आवाज से आपको घर में होम कंडीशनिंग करवानी है। होम कंडीशनिंग इज नथिंग बट द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग द साउंड एंड रेस्पॉन्डिंग बैक। तो इस तरह से आप घर पे करवा के फिर क्लिनिक पे लेकर आइए और बच्चे का टेस्टिंग करवाइए। 3 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए या डिफिकल्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन के लिए कई बार बिहेवियरल ऑडियोमेट्री टेस्ट भी किया जाता है, जहां पे हम आवाज देकर और बच्चों के बिहेवियर्स देखकर हम पता लगाते हैं कि बच्चा सुन पा रहा है या नहीं। पर ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं। ये जो मैं 3 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, बेरा हो गया, ASSR हो गया, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री हो गया, ये सारी जो है एकदम इन्फेंसी लेवल से हम करते हैं, 2-3 डेज या 4-5 डेज में भी करते हैं। तो उस समय हम डायग्नोसिस के लिए 3-4 बार बेरा को करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये श्योर शॉट यही डायग्नोसिस है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी। डायग्नोसिस में पहुंचने के लिए हमें 2-3 टेस्ट करने की जरूरत होती है, यानी टेस्ट बैटरी अप्रोच अपनाने की जरूरत होती है।
जैसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री के साथ इमिटेंस ऑडियोमेट्री या स्पेशल टेस्ट्स, बेरा या एएसएसआर के साथ ऑटो एकाउस्टिक एमिशन। तो इस तरह से हम तरह तरह के ऑडियोमेट्रिक टेस्ट भी यूज करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट कम और प्रिकॉशन ज्यादा है। ये बोलने वाली बात नहीं है पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑडियोलॉजिस्ट के पास जब भी जाए ऑडियोमेट्री रूम में, जैसे ही आप एंट्री करते हो तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि तरह तरह के सर्किट्री होते हैं वहां पे और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे मोबाइल का इंटरफेरेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑडियोमेट्रिक टेस्ट के लिए जाएं तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यूजफुल भी रहा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके।